बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल किंग एडवांस। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मुझे छक्का सुनने को मिला है, मुझे केक सुनने को मिला है, खुसरा सुनने को मिला है। लोग अक्सर फैंटा भी बोलते थे मुझको, यू नो, कोक नहीं है ना ही स्प्राइट है, तो फैंटा है। मुझे लगता है कि शायद मेरी फैमिली को पता ही था हमेशा से, एटलीस्ट मेरी माँ को तो पता ही था कि मैं कौन हूँ। इनिशियली फैमिली भी यही समझती थी, जो जनरल परसेप्शन है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन चॉइस है, बट इट्स नॉट। सब सवाल करता है कि तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि तुम गे हो, फिर हमेशा उनसे एक होता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बेशक इसका सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो कि तुम्हें कब पता कि तुम स्ट्रेट हो। शुरू में फैमिली अपोज करती थी, बुरा भला बोलते थे, बहुत सारी धमकियाँ भी दी जाती थी कि अगर ऐसा करोगे तो घर से निकाल देंगे। मुख्तलिफ एडवाइसेस होती थी, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो, कौम लूत की मिसाल दी जाती थी। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज का भी ख्वाहिशमंद हूँ, ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है, मेरी सेक्सुअलिटी हेलो तो मेरी अपनी है। किंग एंड पांजे कहते हैं कि लोगों को हम दोनों की मुलाकात जो है एक सोशल किस ऐप पे तरह हुई थी। मैं कोरोना पहली दफा जब मिला तो से पूरा मुल्क डूब रहा है समथिंग, और वो केमिस्ट्री आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। पहली दफा ही गया मैंने है। इसको देखने की प्रपोज आपने किया इस वीडियो में लेट्स देखा लिव होगा टुगेदर। कि कैसे एक पहला सियाह सवाल फाम क्या आता की था मौत कि के अच्छा बाद तुम में से मियाँ अब कौन है और लोग बीवी कौन है, एहतजाज कर रहे ये हैं। समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि इस तरह के ताल्लुक में कोई मियाँ बीवी नहीं होता, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने अपने तरीके से निभा रहे होते हैं। वी आर एज नॉर्मल एज अदर पीपल इन सोसाइटी, हमारी भी ज़िंदगी की वही मसरूफियात हैं जो लोगों की होती हैं, उसी तरह हमने खाना बनाना है, उसी तरह हम रहते हैं, उसी तरह हम काम से आते हैं। इस वक्त जो नॉर्म है वो है डोंट आस्क डोंट टेल। अगर आप अपना प्रचार नहीं करते, आप खुद को जो है एक्सपोज नहीं करते, तो शायद सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्ट्रेट बंदा जाके ये कह सकता है कि मैं स्ट्रेट हूँ और उसको कोई इस बात के लिए नौकरी से नहीं निकालता, तो एक LGBTQI कम्युनिटी के बंदे के लिए भी वो चीज़ उसी तरह होनी चाहिए। ठीक है, उसकी सेक्सुअलिटी की बिना पर उसको कोई हरासमेंट फेस ना करनी पड़े, उसकी जान को कोई ख़तरा ना हो। अगर कल को एक बच्चा या एक लड़का या एक लड़की घर पे जाके अपनी सेक्सुअलिटी ओपन करते हैं तो उनको बहुत सारे खतरात हैं। फैमिली डिसओन कर देगी, घर से निकाल दिया जाएगा, जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। इस चीज़ को डिक्रिमिनलाइज करने का फ़ायदा ये होगा कि कल को पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सपोर्ट करना भी चाहते हैं LGBTQI यूथ को, वो कल को उस कानून की बेस के ऊपर अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकेंगे। हमारे प्लान है बीइंग कपल कि हम बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपने आप को एज ए फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि एज सेम सेक्स कपल हमें कभी भी कोई लीगल स्टेटस मिल सकता है। इन दी एंड होता यह है कि आपको अपना घर, अपने लोग, अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है ताकि आप खुद आज़ाद हो सको। हेलो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में गे लोग जो उनसे हैं, जो हम जिंस परस्त लोग हैं, वो कितना ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे।